मानव इतिहास में क्रूरता और बर्बरता की कोई कमी नहीं रही है। अतीत से लेकर वर्तमान तक आपने कई निरंकुश राजाओं और शासकों की बेरहमी के किस्से सुने होंगे, जिन्होंने सत्ता के मद में चूर होकर भीषण नरसंहार करवाए। लेकिन इस कड़ी में महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इतिहास में कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने क्रूरता, बर्बरता और मौत का ऐसा खेल खेला कि उन्हें जिंदा चुड़ैल कहना कोई गलत बात नहीं होगी। इस वीडियो में हम एक ऐसी निर्मम और पत्थर दिल रानी के बारे में जानेंगे जो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाती थी, और एक ऐसी रानी जिसने अपने प्रतिशोध की आग में पूरे शहर को ही जला दिया और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। नंबर 1, एलिजाबेथ बैथोरी। 1560 में एलिजाबेथ का जन्म हंगरी की एक रॉयल फैमिली में हुआ था। जिस समय एलिजाबेथ का जन्म हुआ था, उस समय यूरोप में ऊंच नीच का भेदभाव चरम पर था, जहां ऊंचे घराने की महिलाओं को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता था, वहीं निचली जातियों पर कई तरह के अत्याचार किए जाते, जिसका सीधा प्रभाव एलिजाबेथ के जीवन पर भी पड़ा। बचपन में एलिजाबेथ को बार बार दौरे पड़ते थे और शायद उसे मिर्गी की बीमारी थी। उस समय मिर्गी के इलाज के लिए मरीज के होंठों पर एक ऐसे इंसान का खून लगाया जाता जिसे मिर्गी ना हो। फिर दौरा पड़ने के बाद उन्हें कई अजीबोगरीब रिवाजों से गुजरना पड़ता था, और इन्हीं चीजों के कारण शायद एलिजाबेथ इतनी खूंखार हो गई। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि एलिजाबेथ के परिवार के लोग उसके सामने ही गरीबों को बेरहमी से मारते थे, और उसके परिवार में काला जादू और शैतान की पूजा की जाती थी, जिसका उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। साल 1575 में एलिजाबेथ का विवाह रॉयल नाटसी परिवार के एक राजकुमार के साथ हो गया। विवाह के 3 साल बाद 1578 में उसके पति को युद्ध के लिए बाहर जाना पड़ा, और जिसके चलते एलिजाबेथ अपने पति के साम्राज्य की मालकिन बन गई। युद्ध से लौटने के कुछ वर्षों पश्चात ही एलिजाबेथ के पति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1602 से 1604 के बीच में एलिजाबेथ पर कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए और उसकी क्रूरता की बातें पूरे राज्य में फैलने लगी। 1610 ईस्वी में उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई और उसके खिलाफ लगभग 300 लोगों ने गवाही दी, जिसमें ये बात सामने आई कि एलिजाबेथ 10 से 14 साल की लड़कियों को टार्चर करके उनका खून निकालती थी। लड़कियों को गर्म सलिए से दागा जाता और फिर उन्हें ठंडे पानी में डाल दिया जाता, कईयों के मुंह सिल दिए जाते और कईयों को तो सुई चुभाकर मार दिया गया। इन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता और कई लड़कियों के अंगों को उस समय काटा गया जब वे जिंदा थी। एलिजाबेथ के इस खूनी खेल में उसके 4 भरोसेमंद नौकर भी शामिल थे। माना जाता है कि एलिजाबेथ ने शादी के बाद से 1610 के बीच करीब 600 लड़कियों को इसी तरह से मार डाला था। उसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ इन लड़कियों का खून निकालकर उसमें नहाती थी, क्योंकि उसको लगता था कि इससे वह उम्र भर जवान बनी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लड़कियों के अवशेष भी मिले, जिसके बाद एलिजाबेथ के नौकरों को मौत की सजा हुई। लेकिन रॉयल लेडी होने के कारण एलिजाबेथ को उसी के महल में कैद कर दिया गया, जहां लगभग 3 सालों के बाद उसकी मौत हो गई। नंबर 2, इसाबेल ऑफ कैस्टेल। इसाबेल का जन्म 1451 में हुआ था। इसे इसाबेल द कैथोलिक के नाम से भी जाना जाता है। इसाबेल का विवाह एरागोन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय के साथ हुआ था, जिसके साथ मिलकर इसाबेल ने 1504 ईस्वी तक एकीकृत स्पेन पे शासन किया। उसे गैर ईसाइयों के प्रति उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने शासन काल के दौरान वह अपने राज्य से मुसलमानों और यहूदियों से छुटकारा पाना चाहती थी। 1492 में उसने आदेश दिया था कि गैर कैथोलिक या तो ईसाई धर्म स्वीकार कर लें या फिर स्पेन से बाहर निकल जाएं। इसी के साथ
इसाबेल के आदेश पर करीब 10,200 गैर ईसाइयों को जिंदा जला दिया गया और 6,800 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। इसके अलावा करीब 97,000 गैर कैथोलिक लोगों को विभिन्न प्रकार के दंड और यातनाएं दी गईं। इसाबेल ने स्पेन के अंतिम मुस्लिम साम्राज्य ग्रेनाडा पर हमला करवाया, जिसमें करीब 1,00,000 मुसलमान या तो मारे गए या फिर गुलाम बना लिए गए। एक ओर जहां स्पेन में इसाबेल को नायिका और स्पेनिश देशभक्त के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर दुनिया उसे नरसंहार के दोषी और एक क्रूर उत्पीड़क के रूप में जानती है। नंबर 3, ओल्गा ऑफ कीव। सेंट ओल्गा, जिसे कीव की हेल्गा भी कहा जाता है, का जन्म 890 में हुआ था। वह यूक्रेनी राजकुमारी और रूस के इतिहास की पहली महिला शासक थी। इतिहास में इसे अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए जाना जाता है। ओल्गा का विवाह कीव के राजकुमार इगोर फर्स्ट के साथ में हुआ था। विवाह के कुछ सालों बाद ही राजकुमार इगोर की हत्या ड्रेविलेंस ने कर दी, जिसके बाद 1945 में राजकुमारी ओल्गा क्वीन रिजेंट के नाम से कीव की गद्दी पर बैठी। राजकुमार इगोर की हत्या करने के बाद ड्रेविलेंस ने रानी ओल्गा के पास शादी के प्रस्ताव के साथ मैचमेकर्स को भेजा, लेकिन ओल्गा ने मैचमेकर्स को उसी की नाव के साथ जिंदा दफना दिया। इसके बाद ओल्गा ने ड्रेविलेंस के सबसे प्रतिष्ठित राजपालों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन जब मेहमान आए तो ओल्गा ने उन्हें अपने स्नानागार में स्नान करने के लिए बुलाया, जहाँ उसने सभी को जलाकर मार डाला। उसने अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कई लोगों को खौलते पानी में उबालकर मरवा दिया। इसके बाद राजकुमारी ओल्गा ने अपने पति के हत्यारे ड्रेविलेंस को अंतिम संस्कार की दावत के लिए बुलाया और इस दावत में उसने करीब 5,000 ड्रेविलियन को मौत के घाट उतार दिया। अपने बदले के अंत में ओल्गा ने ड्रेविलियन शहर की घेराबंदी कर शहर में संदेश भेजा कि अब वह बदला लेना नहीं चाहती, और अपने पति की श्रद्धांजलि के लिए हर घर से 3 कबूतर और 3 गौरैया मांगी और कहा कि अगर वे उसे श्रद्धांजलि देंगे तो शहर की घेराबंदी हटा दी जाएगी, जिसका शहर के लोगों ने खुशी खुशी अनुपालन किया। पक्षियों को लेकर ओल्गा ने उन पर कपड़े से गंधक का एक टुकड़ा बंधकर आग लगवा दी और उन्हें छोड़ दिया। पक्षी तुरंत शहर में अपने अपने बाड़े में लौट गए, जिससे उसने पूरे शहर को ही जला दिया। अपना प्रतिशोध पूरा होने पर ओल्गा रूढ़िवादी चर्च में संत बन गई। वैसे दोस्तों, इन रानियों के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।